हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या फिर देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, थोड़ा गांव में शादी वगैरह चल रही है तो फिर उसके लिए डीजे वगैरह चल रहा है तो मेरी आवाज आपको कम सुनाई दे सकती है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था। तो देखिए, मैं ये मेरी जो क्यारियां लगा रखी है इनमें आलू वगैरह टमाटर वगैरह मैंने लगा रखे हैं। तो ये देखिए, ये घास फूस इसमें बहुत सारे इकट्ठा हो गया था, तो ये मुर्गी के लिए खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ मैं। तो मैंने ये डायरेक्ट उखाड़ लिया है, तो डायरेक्ट उखाड़ने के लिए यही होता है कि मुर्गियाँ इजिली खा पाती है। देखिए, ऐसे पकड़ता हूँ और मैं इसको डायरेक्ट ऐसे उखाड़ देता हूँ, जो मिट्टी निकल आती है, लेकिन साथ में इसका क्या होता है, मुर्गी आराम से खा पाती है मिट्टी को, इसके ऊपर से आराम से खा लेगी। और अगर मिट्टी नहीं चाहिए तो मैं इस टोकरी में, ये देखिए, ये इसमें छेद बने हुए हैं, तो ऊपर से पानी डाल के इसको अच्छे से हिला दीजिए, मिट्टी हट जाएगी। तो मैं अभी इसको टोकरी को डायरेक्ट ऐसे ही लेके जा रहा हूँ मिट्टी के साथ में ही। और ये देखिए, ये मेरे मुर्गे और मुर्गियाँ हैं, कुछ देख सकते हैं आप इजली, जो नए सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं, अंडा भी दे रखा है इन्होंने, उधर देखिए। चल पहले तो बच्चों को दिखाएंगे हम, ये देखिए ये मेरे बच्चे हैं, ये देखिए कितना भाग दौड़ के खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है ये इसमें खाने में, पूरा तरह से सभी एक्टिव हैं, एक भी बीमार नहीं है। और ये सेल्स के लिए नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, बेचने के लिए नहीं है, मैं इनको खुद पाल रहा हूँ और देसी मुर्गी का फार्म बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इनको क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हो गए, कितना खुश हो गए ये सब खा रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे ही खाने दूंगा तब तक, और फाड़ ले थोड़ा और ये तोड़ के उन मुर्गियों को खिला दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए, छोटी सी वीडियो बनाइए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाइए फ्रेंड्स। तो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, पीछे सॉन्ग चल रहा है, मतलब डीजे चल रहा है, तो पड़ोसी के घर में शादी चल रही है, इसलिए दो तीन दिन से सॉन्ग चला रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये चूजा दिखाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। इस चूजे को देखिए, इसको लगभग रेस्पिरेटरी कोई डिजीज हो चुकी है, सांस लेने में इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मुंह खोल खोल के सांस ले रहा है, आप देख सकते हैं इसको, और बार बार मुंह को झटका रहा है, तो इसको लगभग क्या तो सर्दी लग गई है या फिर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हुई है, आप अच्छे से देख लीजिए। खाने पीने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खा पी रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, ये सवसारी ली है मैंने, सवसारी की फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो ये पतंजलि की कोई भी स्टोर पे मिल जाएगी, तो वो दवाई है। तो ये आधा ML मैं एक चूजे को खिलाऊंगा, अगर बड़ी मुर्गी है तो या मुर्गा है आपके पास में, अगर ऐसे कोई हरकत कर रहा है तो उसको 1 ML खिला सकते हैं आप, दिन में लगभग 2 या 3 बार खिलाइए। तो मतलब लगभग मैंने ये पूरा सीरिंज भर लिया, तो सभी चूजों को मैं खिला दूंगा, लगभग 6 ML डाल लिया है, तो लगभग आधा आधा ML करके सभी चूजों को मैं खिला दूंगा, ताकि सभी में जो रेस्पिरेटरी डिजीज है वो दूर हो जाए। तो मैं उनका मुंह खोल के आधा आधा ML पिलाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तो अभी मैं पिला देता हूँ, रिजल्ट बाद में शेयर करूंगा।